हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। आज ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। मैंने पहले पार्ट वन और पार्ट टू अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिस लोगों ने नहीं देखा है वो जाके वो दोनों वीडियो को देख ले। इसमें बचे हुए बाकी क्वेश्चन वहाँ 102 से 151 150 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 102। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की थी, तो वो मौर्य का कौन सा सेनापति था जिसने मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर अपना एक साम्राज्य बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सुंग, सुंग राजवंश। इसकी स्थापना मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी। उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को गद्दी से हटाकर राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। कन्नव वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, की थी कन्नव वंश की स्थापना। कृष्ण वंश की स्थापना की थी कुजुल किडिफिसिस ने, और गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 मैथ है ये, तो गाइस आप खुद से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 103 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6:3:2। 104 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, 28%। आप इसे घर में अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। 105 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 2n 2 1/15। 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.86%। 108 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, n+2। एंड 109 का आंसर आपका है बी ऑप्शन, 21 वर्ष। 110 का आंसर होगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16:13:15। एंड लास्ट मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। 112 लास्ट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का आंसर हो जाएगा 112 का ए नंबर, TZNV। आते हैं अब जीके वाले क्वेश्चन पर, 113 पर। हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है सेंड्रा मैनसन को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बारबाडोस एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था जिसने 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और वह अभी तक ब्रिटिश राजशाही के साथ संबंध बनाए रखा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019 से 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं के प्रतिशत लगभग कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64% है महिला जो इंटरनेट यूज़ करे, 64%, और जबकि इंटरनेट का उपयोग करने वाले पुरुषों की संख्या है 85%। 85% पुरुषों की संख्या है इंटरनेट यूज़ करने में, और 64 महिलाओं की संख्या है। तो इसमें महिलाओं की संख्या पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 115। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थानों में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? तो पूछा जा रहा है 6 स्थल जो जोड़े गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, उसमें से कौन है इसमें? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। गंगा घाट वाराणसी भी है हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कांचीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है ये भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हीरे बेकल मेगालिथिक साइट ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से सभी। दो और है इसमें, यहाँ 4 दिया हुआ है, दो और बता दूँ। मराठा सैन्य वास्तुकला और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लम्हेरा घाट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़े गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। इटालियन ओपन 2021
का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इटालियन ओपन 2021 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका। इटालियन ओपन 2021 रोम में आयोजित हुआ था। इसमें विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को हराकर राफेल नडाल ने जीत हासिल की थी। और राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक हैं। 117 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवशंकर मेनन। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक हैं शिवशंकर मेनन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, इसमें से पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर का ऑप्शन दिया गया है टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, तो ये सही है, ये 32वां संस्करण था ओलंपिक का। इस ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, इस ओलंपिक का शुभंकर मीरा तोवा था, ये भी सही है, मीरा तोवा इसका शुभंकर था। ऑप्शन नंबर सी है, इस ओलंपिक का ध्येयवाक्य यूनाइटेड बाई इमोशन था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या दिया है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा डी नंबर। टोक्यो में ये दूसरी बार आयोजित हुआ था ओलंपिक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी गलत है, यहाँ दो दो बार आयोजित हुआ था। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर टोक्यो है, और पहली बार 1964 ईस्वी में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, तेलंगाना। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। 25 जुलाई 2021 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आने वाले हैं हमारे बीपीएससी के एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 120। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर निर्माण करने का घोषणा किया है? तो किस राज्य में, तो गुजरात में रिलायंस ने विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर खोलने का निर्णय किया है, आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। वर्ल्ड गिविंग्स इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो वर्ल्ड गिविंग्स इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटी एवं फाउंडेशन CAF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 114 देश का लिस्ट निकलता है जिसमें भारत का स्थान 14वां है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 123। मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया, पूछा जा रहा है नैनो यूरिया किस कंपनी ने 2021 में लॉन्च किया था किसानों के लिए? तो ये इपको के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इपको आंसर है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 124। जापेद 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। जापेद जो है रूस का सैन्य अभ्यास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 125। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, नीति आयोग के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट जारी किया जाता है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का कितने नंबर पर स्थान है भारत का?
तो 126 का आंसर रहेगा होगा हमारा सी तीसरा। भारत तीसरा स्थान पर है जिसने पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने में विश्व में तीसरी नंबर पे जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, 11 अक्टूबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 128, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया वो सर्वप्रथम कहाँ पता चला था? किस देश में ओमिक्रॉन सबसे पहला केस आया था? आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका पहला पेशेंट पाया गया था ओमिक्रॉन का। B.1.1.1.529 ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 129, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मौजूदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है या रूपरेखा उसकी तैयार की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 130 की ओर, केराकल जंगली बिल्ली IUCN रेड डेटा बुक की किस सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, अति संकटग्रस्त वेरी इंडेंजर्ड स्पीसीज में केराकल जो जंगली बिल्ली है ये रेड डाटा बुक में से अति संकटग्रस्त जीव में शामिल किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 131, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP किसके द्वारा प्रशासित है? 132 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 133, सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह की स्थापना कब की गई थी? तो सरकार के तरफ से इसकी स्थापना 2020 में की गई थी और इस मंत्री समूह में कुल 5 कैबिनेट मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, 134, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब की गई थी? 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, ब्रेन ड्रेन इंगित करता है, तो ब्रेन ड्रेन इंगित करता है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पेशेवर व्यक्तियों का पलायन और विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन, ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर इसका, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, 136, आयुध फैक्टर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 136 के बाद आते हैं 127 पर, लुसाई हिल्स अवस्थित है, किस राज्य में लुसाई हिल्स अवस्थित है? तो 137 का आंसर है मिजोरम, ए नंबर आंसर इसका, लुसाई हिल्स मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, दिल्ली में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 139, जैक डोसी के ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ट्विटर के CEO को बनाया गया है पराग अग्रवाल, जो इंडियन है, ऑप्शन नंबर ए पराग अग्रवाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, 140, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार
शीर्ष देश पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन सा देश रहा है? ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी की जाती है। भारत में इसका स्थान 79 स्थान पर है इस रिपोर्ट में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141। मानव संसाधन परामर्श संस्था मसर के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, ऑप्शन नंबर सी। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है रहने के लिए, और वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 78 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 10 नवंबर, 3 नवंबर, 12 नवंबर या 17 नवंबर। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया था? 143 का आंसर हो जाएगा रानीखेत, ऑप्शन नंबर बी। 14 नवंबर 2021 को रानीखेत अल्मोरा में देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है? तो नमामि गंगे के लिए 2021 में शुभंकर चाचा चौधरी हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये सारे करेंट अफेयर्स है गाइस, और जो कि बहुत आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और करेंट का वेटेज बहुत ही एग्जाम में बढ़ चुका है, तो इसे आप माइंड में सेट कर लें। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैसों को शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2060 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज किस देश में बनाया गया है? 146 का आंसर हो जाएगा डी, नीदरलैंड में। वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज बनाया गया है। जुलाई 2021 में इस फुट ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147। नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की संयुक्त पहल है? 147 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना के स्कॉर्पिन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की है, इस सबमरीन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि हाल में किसे लॉन्च किया गया है, तो खांडेरी सबमरीन, कलवरी सबमरीन और बागेश्वर सबमरीन, इससे पहले लॉन्च कर दिया गया। तो हाल में लॉन्च किया गया है वेला सबमरीन को, याद रखिएगा वेला सबमरीन को हाल में लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने 6 सबमरीन तैयार करने का पर काम कर रहा है। इसमें से IS कलवरी, IS खंडेरी, IS करंज को भारतीय सेना ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। 149। अक्टूबर 2021 में एशियाई बैंक ADB ने किस शहर में अवस्थापना विकास के लिए 61 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो किस शहर को दिया है इसका? 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला को। 28 अक्टूबर 2021 को एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला को शहरी बुनियादी ढांचा विकास हेतु 61 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की है। आते हैं क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 पे।
10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन IEA में शामिल हुआ है? तो लास्ट देश कौन है? 101वां देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर गाइस। तो गाइस आज ये तीनों पार्ट मैंने 50-50 करके तीनों पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और ये आप अगर नहीं देखा है किसी ने पहला दो वीडियोस, तो वो जाके मेरे प्लेलिस्ट से देख ले और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस, जय हिंद।